हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 7 जनवरी के करंट अफेयर। और जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट में रिवीजन करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल जो भी न्यूज है वो सब सब कुछ कवर होगा। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कॉन्टेंट है वो आपके लिए उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय पक्षी दिवस या नेशनल बर्ड डे के बारे में, जिसको हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बात को जरूर याद रख लेंगे। अच्छा, आइए बात करते हैं निफ्ल के बारे में। NIIFL ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है संजय अग्रवाल। क्या नाम है इनका? संजय अग्रवाल। और इनको क्या नियुक्त किया गया है? इनको नया CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है निल्फ की तरफ से। जरूर याद रख लेंगे इनका नाम। ओके, अच्छा इन्होंने किसकी जगह ली है वो भी देख लेते हैं। निल्फ का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस प्रमुख, यानी कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात करेंगे, वहां की पहली महिला DGP के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है? तो रश्मि शुक्ला जी की नियुक्ति करी गई है। किसकी नियुक्ति करी गई है? तो रश्मि शुक्ला जी की नियुक्ति करी गई है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, ये इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने रजनीश सेठ की जगह ली है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक, यानी जो हमारा ADB है, उसके एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है वो कौन बन गए हैं इस टाइम पर? तो विकासशील इनका नाम है, ये अब एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। इनका नाम भी याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेंगे हम सेबी के बारे में। सेबी के कार्यकारी निदेशक या सेबी के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति हुई है जी राम मोहन राव की। जरूर इनका नाम याद रख लेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है और 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति करी गई है, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। ओके, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ओके, आइए बात करेंगे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में। इसको कौन सा दर्जा दिया गया है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिया जाएगा और 6 जनवरी से जो यात्राएं हैं वो स्टार्ट कर दी गई है। और सबसे पहले इंडिगो की फ्लाइट चली है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया हुआ है। और ये भी बताया गया है कि 1 साल के भीतर 60 लाख या 6 मिलियन यात्री। देखिए, हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है और उसके लिए हस्ताक्षर कर दिया है? तो हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे ने समझौता किया है CII के साथ। किसके साथ में? CII के साथ में। अच्छा, ये हरित पहल क्या है? तो ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए, जो शून्य कार्बन है 2030 तक, उसको प्राप्त करने के लिए ये समझौता करा गया है CII के द्वारा, CII के साथ में भारतीय रेलवे के द्वारा। इस बात को जरूर याद रख लेंगे। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा कहां पर भारत पार्क स्थापित किया जाएगा? अच्छा, भारत पार्क में क्या किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो इस भारतीय पार्क में भारत के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उनके उनके लिए उनके मार्केटिंग के लिए एक मेला लगाया जाएगा या उनकी मार्केटिंग के लिए एक बाजार कह सकते हैं, उनको उनको दिखाने के लिए इस भारतीय पार्क की स्थापना करी जाएगी UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। क्लियर। असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2024 पहल, गुणोत्सव 2024 ये जो इनिशिएटिव है कि किससे संबंधित है? तो देखो, सबसे पहले तो असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2024 इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, इस बात को समझ लेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि गुणोत्सव ये जो है ये किससे संबंधित है? तो स्पेशली शिक्षा से संबंधित है, शिक्षकों से संबंधित है और जो सरकारी स्कूल है उसके विशाल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, इस बात को समझ लेंगे। और 3 जनवरी से लेकर 8 फरवरी 2024 तक ये जो गुणोत्सव है ये चलने वाला है। ओके, क्लियर। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो जो आसाम के 35 डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर किया जाएगा और लगभग 43,500 जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके नेटवर्किंग को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने की बात कही गई है। ओके,
अच्छा, गुड़ोसो की शुरुआत कब करी गई थी? तो आसाम सरकार के द्वारा तो 2017 में करी गई थी, 2017 से लेकर 2024 तक चलाने के बारे में ये बात भी करी गई थी। तो इस साल इसका कौन सा सेशन चल रहा है? तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये पांचवा इसका सेशन चल रहा है। ओके, नेपाल के द्वारा भारत को अगले 10 वर्षों में कितनी बिजली का निर्यात किया जाएगा? तो नेपाल जो है भारत को बिजली देगा और अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट तक की बिजली का निर्यात किया जाएगा नेपाल से भारत के लिए, और इसके लिए एक समझौता कर लिया गया है। ओके, आइए अब रिविजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमने 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया, यानी कि वो व्यक्ति जो अनाथ हो जाते हैं, वो बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं उनके संरक्षण के लिए हर साल 6 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कन्नड़ एक कवि थे जिनका नाम था कुवेम्पु, उनकी याद में कुवेम्पु पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार दिया गया है बंगाली जो लेखक हैं जिनका नाम है शिशेंद्रु मुखोपाध्याय, उनको। इन्होंने 90 से अधिक इन्होंने जो किताबें हैं वो लिखी हुई हैं और साहित्य के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है, जिसकी वजह से कुवेम्पु पुरस्कार 2023 इन्हें प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 लाख की राशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक सिल्वर मेडल दिया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान किसे दिया गया? तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया था। ओके, गुरुत्वाकर्षण के जो भी 3 नियम थे उसको न्यूटन के द्वारा बताया गया था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड उसको सही तरीके से स्थापित करने में इस वैज्ञानिक का प्रमुख योगदान है, और इनका नाम है प्रोफेसर एड्रियन क्रूज, और इनको इसी काम के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो ये अवार्ड है ये दिया गया है, और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित इन्होंने जो काम किया है इसलिए। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई? तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनका नाम है नादिया कैल्विनो। तो अब ये यूरोपीय निवेश बैंक के लिए नई अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली है। अब हम बात करेंगे NARCL के बारे में, इसके MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है पी संतोष जी, और इनकी नियुक्ति करी गई है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में NARCL के लिए। ओके, अच्छा, NARCL क्या है? तो ये एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसा संगठन है जो स्पेशली बैंकों के द्वारा जो जो लोन दिए जाते हैं, जो बैड लोन होते हैं, या फिर बैंकों ने अगर किसी को, किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को लोन दिया है और उसको वो वापस नहीं ले पा रहे हैं, तो इसको NARCL में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। और NARCL क्या करती है, स्पेशली ऐसे लोगों से उस लोन को कवर करने का, उस ऋण को कवर करने का काम करती है। आइए नेक्स्ट बात कर लेंगे, जल प्रबंधन के लिए किसको CII राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कल भी हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, जिसकी जो गुरुग्राम की शाखा है उसके द्वारा जो हमारे हमारा जल है उसको बचाने के लिए, उसका रियूज करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो काम किया है उस वजह से इसे ये प्राइज दिया गया है, CII राष्ट्रीय पुरस्कार जल प्रबंधन के लिए 2023 के लिए। नौसेना के उपप्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई? तो दिनेश त्रिपाठी जी की नियुक्ति करी गई है नौसेना के उपप्रमुख के रूप में। AIA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है शशि सिंह, इनको नियुक्त किया गया है AIA के नए अध्यक्ष के रूप में। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? तो देखो, 10वीं शताब्दी का सबसे पहले ये जान लेंगे, कदम शिलालेख इसका नाम है, ये कहाँ मिला है? तो एक शिव मंदिर है कहाँ पर, जो दक्षिणी गोवा है वहां पर एक शिव मंदिर है, तो उस शिव मंदिर में ये शिलालेख पाया गया है। ओके, क्लियर, 10वीं शताब्दी का, इस बात को भी समझ लेंगे। एडिडास चीन के बाहर किस स्थान पर अपना पहला एशिया GCC स्थापित करेगा? तो हम चेन्नई, तमिलनाडु का नाम याद रखेंगे, तमिलनाडु में एडिडास अपना नया एशिया GCC स्थापित करने वाला है, जिससे उसकी मार्केटिंग बढ़ेगी। भारत में हम सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय भारत में है, और भारत में युवाओं की संख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पृथ्वी विज्ञान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पृथ्वी विज्ञान जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य ही ये है कि जो पृथ्वी से संबंधित सिस्टम है, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है ना, और उसकी उसकी जो है क्या सिम्टम्स होते हैं, पृथ्वी किस तरीके से प्रभावित होती है, पृथ्वी की जो परतें हैं वो कैसी हैं, इसके लिए हम कौन कौन सी जो साइंटिफिक चीजें हैं उसको इजाद कर सकते हैं, सबके बारे में अध्ययन करने के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो पृथ्वी की प्रणाली है
यानी कि पृथ्वी का जो सिस्टम है उसको समझना है, और इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा कर दिया गया है। दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो दुर्घटना हॉटस्पॉट का मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। इसके बारे में हमने पढ़ा था, पंजाब के बारे में भी पढ़ा था कल, बहुत अच्छे से डिटेलिंग करी थी। पहला राज्य बन गया है और लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही ये जो ऐप है उसके माध्यम से क्या कर लिया जाएगा कि 100 मीटर की दूरी से ही अगर कोई ऐसा स्थान है जहां पर दुर्घटना की संभावना है तो वो ब्लैक स्पॉट के रूप में दिखाई देने लगेगा, तो जिससे यात्री बच सकते हैं। वहां के डीजीपी ने ये बताया कि जो है पंजाब पूरी तरीके से इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर। आइए अब इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज के साथ में, नए खबरों के साथ में, नए विचारों के साथ में। तब तक खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और जो आप पे भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।